हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 92 आवर स्टूडियो। और फाइनली इतनी कोशिशें करने के बाद टाइम निकाल कर फेवरेट टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आज मेरा वीडियो आर्ट ट्यूटोरियल के बारे में बिल्कुल नहीं होगा। आज हो सकता है मे बी आप मेरे इस वीडियो को देख कर नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाए, आपने कभी आर्ट वर्क वगैरह बनाया हो या अपने स्कूल डेज को आप याद करें। तो होता यह है कि जब भी मैं आता हूँ लोग मुझे डीएम में पूछते हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा कम बताता हूँ, अपने बारे में डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करता हूँ कभी। ज़्यादातर मेरे वीडियो होते हैं, मैं आर्टवर्क बनाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन को शो करके और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ अपने वीडियो को। और डीएम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से कि 92 आवर स्टूडियो की शुरुआत कैसे हुई थी, मैं क्या करता हूँ और इन सब के आइडियाज़ मेरे को कहाँ से आते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उन आर्टवर्क के बारे में, मैंने बचपन में बनाए थे अपने स्कूल डेज़ में और जितनी कोशिश मैं कर सकता था उन आर्टवर्क को मैंने बचाया और उन सारे स्केच बुक्स को, मेरे आर्टवर्क की डायरीज़ और मेरे बचपन के लिखी हुई कॉमिक्स को मैंने संभाल के रखा है। तो ये है मेरा खजाना। अगर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो 2003 से मैंने अब तक जितने भी आर्टवर्क बनाए हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद है और मैं वन बाय वन आपको वो आर्टवर्क बताने वाला हूँ और मेरे हर आर्टवर्क के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। तो आर्टवर्क की प्रेजेंटेशन भी देंगे, उन स्केचेस के बारे में भी आपको बताऊँगा मैं और हर एक आर्टवर्क के पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ईयर 2003 की। स्कूल का पहला दिन था और फर्स्ट पेज था और यहाँ मेरे को प्लेग्राउंड सीन ड्रॉ करना था ड्राइंग पीरियड में। और आप देख सकते हैं जो आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का जो स्किल था वो वहीं से उस एज में ही डेवलप हो गया था। जो आसपास चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता था वो यहाँ पर मैंने बनाई है। और नेक्स्ट पेज है हमारा द विलेज सीन और ये इतना कॉमन सीन है, यूनिवर्सल है, जो हर बच्चे को हर स्कूल में बताया जाता है। तो यहाँ मुझे भी टॉपिक दिया गया था और यहाँ पर भी मैंने जो डिटेल्स फिल करनी थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी बच्ची खेल रही है, ये बंदा यहाँ पर पेड़ की छांव में आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर कुएं से पानी भरा जा रहा है और यहाँ पर भी बच्चा खेल रहा है, भेड़ बकरियाँ चराई जा रही है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये जो सबके चेहरे पर स्माइल ले आई थी उस वक्त, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लेन भी ड्रॉ किया था कि गाँव के ऊपर से एक प्लेन निकल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं उस वक्त बनाया करता था। और यहाँ पर एक और एक प्लेग्राउंड सीन है। अब नेक्स्ट जो आर्टवर्क आप देखने वाले हैं वो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है, क्योंकि यहाँ मैंने ड्रॉ किया था अपना क्लासरूम और जिस तरह से हम लोग के सीटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था, कहाँ पर बोर्ड होता था, कहाँ पर चॉक्स रखी जाती थी, वाटर बॉटल्स कहाँ रखी जाती थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी। तो उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं होते थे, तो यही एक पिक्चर है उस दौर की जो कि मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे अपना वो क्लासरूम याद आता है। हम छोटे छोटे से थे और क्लास में पढ़ते थे और जिस तरह से हमारे टीचर हमें पढ़ाया करती थी, किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे हुआ करता था, तो काफ़ी मेमोरेबल रहा मेरे लिए। तो ये आर्टवर्क मुझे अपने क्लासरूम की हमेशा याद दिलाता है जब भी मैं इसको देखता हूँ। और इस आर्टवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे लिए एक एग्ज़ाम की तरह था, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग टीचर थी उस वक्त, तो उनको लगता था मैं ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ या मैं किसी और से ड्रॉ करवा के लाता हूँ। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लेने के लिए मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने सेम एज इट इज़ ये सीन अपनी रैंडम बुक से मुझे दिखाया और मुझे बोला कि जितना मैं टाइम ले सकता हूँ उस सीन को ऑब्ज़र्व करूँ और उन्हीं के सामने वो पूरा सीन बिना देखे दोबारा से रिक्रिएट करूँ अपने तरीके से। और मैंने कम से कम 5 मिनट लिया होगा उस पूरे सीन को ऑब्ज़र्व करने के लिए और मैंने एज इट इज़ उस सीन को यहाँ पर ड्रॉ किया, कौन सी चीज़ कहाँ थी वो एग्जैक्ट ड्रॉ की मैंने। और ये चीज़ देखकर मेरी टीचर भी काफ़ी शॉक्ड हो गई थी और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया मेरे वर्क को और वहाँ से उनको बिलीव हुआ कि हाँ एक्चुअली में ही ये एग्जैक्ट सारी चीज़ें मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ। और उनको मेरे टैलेंट के बारे में पता चला और उस वक्त मेरी एज 13 साल रही होगी। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी करीबी आर्टवर्क है मेरे लिए जो मैंने आज तक संभाल के रखा है अपने लिए। अब बात करता हूँ मैं इस आर्टवर्क की जो मुझे अच्छे से याद है। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, सोशल स्टडी का पीरियड था और
क्लास में मन नहीं लग रहा था मेरा, तो मैंने रफ़ कॉपी से एक पेज निकाला और वहाँ से ये ड्रॉ किया था। और आपको याद हो तो बेब्लेड नाम से कार्टून आया करता था और काफ़ी क्रेज़ था बच्चों में उस कार्टून का, तो वो बेब्लेड का जो कैरेक्टर था वो यहाँ मैंने ड्रॉ किया था। और मेरे फ्रेंड्स आज भी शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज़ को देख कर के, ये आर्टवर्क मैंने अभी भी संभाल के रखा है अपने पास। और यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं अपने फेवरेट रेसलर्स, क्योंकि मुझे बचपन से रेसलिंग का काफ़ी शौक था, तो उन सारे कैरेक्टर्स को टीवी पर देखने के बाद मैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके उन कैरेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ किया करता था। अब आप देखेंगे उन सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स को जो कार्टून नेटवर्क जो अपने प्राइम में था, अपने बूम पीरियड में था, और आप देख सकते हैं जॉनी ब्रावो, फ्लिंस्टोन्स और टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, जो सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स हुआ करते थे हम बच्चों के, तो वो यहाँ मैंने अपनी स्केच बुक में, आर्ट बुक में ड्रॉ किया है। अब जो आप ये आर्ट बुक देखने जा रहे हैं, ये मेरे समर वेकेशंस का यूटिलाइजेशन है, और अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया था। मैंने एक किड्स मूवी देखी थी, वहाँ पे जो लीड कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर एज इट इज़ उन सीनरीज को ड्रॉ करता है, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर मैंने उस चीज़ को कॉपी किया। और आज भी इन लोकेशंस को मैं देखता हूँ जिनका आर्टवर्क मैंने बनाया था, वो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि ये लोकेशंस आज भी एज इट इज़ ऐसी ही दिखती है। तो जैसे कि आजकल के बच्चे जो छुट्टियों में, फ्री टाइम में, गेम्स में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, उस दौर में हम लोग अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करते थे। और ये मेरी सबसे पुरानी कॉमिक बुक है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और यहीं से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी अपनी पहली कॉमिक बुक लिखने की। और इस स्टोरी के अंदर मैं ही लीड कैरेक्टर था, और ये पूरी जो कॉमिक बुक है अपने ऊपर ही लिखी थी, जहाँ पर मैंने अपने आप को एज अ डिटेक्टिव बताया था जो क्राइम केसेस को सॉल्व करता है और एडवेंचर्स करता है, एक्शन करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक सिंपल सी शुरुआत की थी इन सब चीज़ों की। और जैसे आप मेरे मोमो कैरेक्टर को देखते हैं, विजिलेंटी देखा है आपने, जिस तरीके से मैंने बनाए थे कैरेक्टर, आज मैं बना रहा हूँ एट प्रेजेंट, तो उन सब की जो शुरुआत थी वो इसी तरीके से होती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप शुरुआत करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट सडनली नहीं होता, इसके लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, और जैसे जैसे टाइम निकलता गया वहाँ से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आता गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपनी पहली कॉमिक बुक लिखी थी। अब अपनी पहली कॉमिक लिखने के बाद यहाँ मैंने एक प्रॉपर तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ, एक अच्छे आर्टवर्क के साथ मैंने एक कॉमिक बनाई थी, और आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग भी मैंने खुद ही नहीं की थी, और इसके धागे इतने मजबूत है कि इसकी बाइंडिंग आज भी नहीं खुली है। और मुझे ये मेथड काफ़ी अच्छा लगा है, अपनी स्टोरी को अपने आर्टवर्क के थ्रू किसी के सामने रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्टोरी लिखी थी इन 5 कैरेक्टर्स पे, जो सुपर हीरो का एक ग्रुप होता है जो सिटी को हमेशा क्राइम से बचा लेता है। इस स्टोरी का मैं एक ही एपिसोड लिख पाया था, आई डोंट नो द रीज़न मैं इसे आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया उस वक्त। और इन फ्यूचर मैं चाहूँगा इस स्टोरी के लिए भी एक डबिंग करके आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ, और काफ़ी रिक्वेस्ट आई भी थी इस वीडियो के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्रेयॉन्स यूज़ किया था, और कितने सिंपल आर्टवर्क यहाँ पर भी यूज़ करके और इस अपनी स्टोरी को बनाया था। और यहाँ हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो कि 2020 में मैंने बनाया था लॉकडाउन में, और ये उस सारी कॉमिक्स के ब्लूप्रिंट्स हैं जो आप हमेशा पूछते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलफोन में ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा रफ़ आर्टवर्क है जो बेसिक्स, फिर आउटलाइन से मैं इसको अपने सेलफोन में कलरिंग के वक्त फेयर करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इन कॉमिक बुक के ब्लूप्रिंट्स को भी संभाल के रखता हूँ इन फ्यूचर यूज़ के लिए। वेल, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या व्यूज़ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।